तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12.4 तो यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, कंपाउंड्स की IUPAC नेम लिखने हैं कंपाउंड्स के। ठीक है, तो पहला कंपाउंड्स हमें दिया हुआ है ये। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन चेन की। 1, 2, 3, तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। सिंस सिंगल बॉन्ड मौजूद है सब में, तो नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखिए, अगर C6H6 होता है तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन। अगर एक एच हटा दें यानी C6H5 बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनिल बोलते हैं या फिनाइल बोलते हैं। तो पहले पे लगा हुआ है फेनिल, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 फेनिल या फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग IUPAC सॉल्व करते हैं। ये हमें दी हुई है, हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और CN के लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं, नाइट्राइल, तो ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल। अभी 3 पे क्या लगा हुआ, मेथिल, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल या मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें ये IUPAC दी है। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे कार्बन की। 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6 और 7। देखिए, अगर हम लोग इस साइड से करते हैं तो 3 कार्बन पे हमको एक एल्किल ग्रुप मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग यही कार्बन की नंबरिंग जो हम लोग अगर हम लोग इस साइड से करें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। तो दूसरे पे एल्किल ग्रुप पड़ गया, यानी इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथिल, एक कार्बन है। दूसरे कार्बन पर पड़ गया तो हम लोग इस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो कितने कार्बन है हमारे पास, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, नाम के लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, एन, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अभी दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन पे मेथिल लगे हुए हैं दो, तो क्या हो जाएगा, 2,5-डाई-मेथिल-हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी सबसे पहले हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, नाम क्लास में क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तीसरे कार्बन पे क्लोरो भी लगा हुआ है। क्लोरो कैसे लिखते हैं हम लोग, CHLOR-O। ब्रोमो कैसे लिखते हैं, BRO-MO, ब्रोमो। ब्रोमो में बी, क्लोरो में सी आता है, पहले बी आता है अल्फ़ाबेटिकल में, अल्फ़ाबेट्स में, तो पहले बी हम लिखेंगे। यानी 3 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। और 3 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। और 6, 7 कार्बन तो क्या लिख देंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ देंगे, हेप्टेन। ठीक है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। कार्बन को नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, नाम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, प्रोपेन। CHO लगा हुआ है, CHO के लिए हम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, अल, तो ई हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। ठीक, तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 3 क्लोरो प्रोपेनल। राइट, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। कार्बन की नंबरिंग करते हैं पहले हम लोग। 1, 2, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा, हेथ, एथ हो जाएगा। OH लगा हुआ है, और सॉरी, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, नाम के लास्ट में एन। OH लगा हुआ है तो ई हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। राइट, और दूसरे कार्बन पे क्या लगे, 2 क्लोरो लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2,2-डाई, डैश लगाएंगे, डाई क्लोरो, और क्या हो जाएगा, एथेनॉल। राइट, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।